हेलो गाइस, वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। बच्चों, हम केमिकल बॉन्डिंग जो यूनिट है वो चली हुई है, क्लास 11th यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, आज उसका पार्ट नंबर 8 है। बच्चों, 7 पार्ट में मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में आपको बताया था, काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था वन बाय वन। मैंने कुछ एग्जांपल करने को बोला था, क्या आपने प्रैक्टिस की? बच्चों, नहीं की होगी तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको रेजोनेंस निकालना नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आप एक भाई साहब को पढ़ाना चाहता हूँ, उसका नाम है बच्चों फजान रूल। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में बच्चों इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ जेई और नीट्स के जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं बच्चों, उनको ये सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, फजान रूल्स एक्चुअली होता क्या है, ये क्या बताना चाहता है, अपनी डेफिनेशंस को, क्या इसके अंदर रूल होता है, क्या बातें होती हैं, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 8 को बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ बच्चों, कि चैनल को सब्सक्राइब करो और उसका बेल आइकन दबाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप केमिकल बॉन्डिंग फजान भाई साहब को आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो नाउ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि फजान रूल्स में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है बच्चों, कुछ वर्ड मेरे से गलत बोले जाएं तो आप प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा जो गला है वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ आप समझने पर कंसंट्रेशंस करो, ना कि मेरे वर्ड्स पर। ठीक है, तो बच्चों हमारे ना कुछ कोवलेंट्स बॉन्ड होते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली क्या करते थे, मतलब अपने जो शेयरिंग करके ना, अपने आइटम को शेयरिंग करके एक आइटम किसी इलेक्ट्रॉन्स को दे देते थे या किसी इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते थे, वो अपना ऑर्बिट को ना कंप्लीट कर लेते थे। ठीक है, उसे तो अपना स्टेबिलिटी हासिल करनी होती थी किसी भी एलिमेंट को या आइटम को। तो यहाँ जो फजान रूल है ना, ये क्या कहता है कि मतलब जो भी हमारा आयोनिक बॉन्ड होता है, जो भी हमारा आयोनिक कोवेलेंट होता है ना, वो कुछ परसेंट उसके अंदर मतलब नकली होता है। ठीक है, उसके अंदर प्योर आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, कोई भी आइटम या एलिमेंट्स के अंदर कोई भी आयोनिक बॉन्ड जो होता है ना, वो प्योर नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ठीक है, तो फजान रूल एक्चुअली क्या कहता है कि फजान रूल कहता है जो भी हमारा आयोनिक बॉन्ड है ना, फजान रूल के हिसाब से ना तो वो 100% प्योर होता है। ठीक है, और ना ही वो कोवेलेंट बॉन्ड 100% प्योर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे कैसे पता करेंगे कि जो भी हमारा आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक्चुअली वो प्योर कब होते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों मैं फजान रूल की आपको एक बार डेफिनेशंस मैं आपको लिखवा देता हूँ कि एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, नो आयोनिक बॉन्ड इज 100% आयोनिक। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, एंड नो कोवेलेंट बॉन्ड इज 100% इज कोवेलेंट। ठीक है, तो दैट इज आयोनिक बॉन्ड जो है वो हैव सम कोवेलेंट नेचर एंड कोवेलेंट बॉन्ड हैव सम आयोनिक नेचर। मतलब कुछ परसेंट उसके अंदर क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड सम कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड हैव सम आयोनिक नेचर जैसा होता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक जैसा होता है, मतलब कोवेलेंट नेचर जैसा होता है, और कोई आयोनिक जैसा होता है। ठीक है, तो प्योर उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो आप इतना इसको आप अपनी नोटबुक के साइड में लिख लो, जेई और नीट्स के स्टूडेंट जो भी यहाँ आप इस वीडियो को देख रहे हैं या बोर्ड्स वाले बच्चे देख रहे हैं, तो आप कोई भी सीख सकते हो, मेरा काम तो सिखाने का है। ठीक है, भेदभाव करने का नहीं है, ये तो जेई और नीट्स के ही सीख सकते हैं, नहीं वैसे स्टूडेंट भी सीख सकते हैं कि फजान रूल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, जो आपको फजान रूल्स
समझ में आया। एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है कि जो भी हमारा आयोनिक बॉन्ड है ना उसके अंदर 100% आयोनिक नहीं होता है, ना ही उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड क्या 100% नहीं होता है। वो किस टाइप का होता है बच्चों? कोवलेंट नेचर का होता है और उसके अंदर कुछ आयोनिक नेचर जैसे भी होते हैं, उसको हम कहते हैं फैजांस रूल। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं। आपको सुना होगा मतलब दो टाइप्स के पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, है ना। मतलब एक तरफ हमारा चार्ज सेपरेशन, मतलब एक तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज हो या दूसरी तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज हो। मतलब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स मतलब कोई भी दो आइटम के बीच में लगने वाला सेपरेशन चार्ज, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पोलैरिटी कहते हैं। इसको हम डेफिनेशंस के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि चार्ज सेपरेशन ऑन द बॉन्डेड आइटम दैट इज़ वन साइड, या तो पार्शियल बोल दो या फुल्ली चार्ज बोल दो, वन साइड पॉजिटिव एंड अनोदर साइड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट देन सच बॉन्ड आर कॉल्ड हैज अ पोलर बॉन्ड। इसको हम क्या कह सकते हैं? पोलर बॉन्ड भी इसको हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? आप इतना समझा दो, आप कहोगे सर ऐसे हमें समझने नहीं आया, हमें कोई एक एग्जांपल देके समझाओ, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप ये डेफिनेशंस को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, सारी बात बताऊंगा मैं वन बाय वन क्लियर कराऊंगा, टेंशन मत लो बच्चों। इतना आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि यहाँ मतलब वन साइड, एक साइड मतलब पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरी चार्ज नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है सोडियम और क्लोरीन का, ठीक है। आप सभी को पता है सोडियम के ऊपर बच्चों पूरा पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब हाफ चार्ज नहीं आता है, यहाँ हमेशा पॉजिटिव वन चार्ज आता है, ठीक है, यहाँ हमेशा पॉजिटिव वन चार्ज आता है, पूरा चार्ज आता है। और यहाँ माइनस, क्लोरीन पर माइनस आता है, ये पूरा माइनस आता है, मतलब हाफ माइनस नहीं आता है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड होगा तो क्या बच्चों होगा? पोलैरिटी एग्जिट करेगी इसके अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जो भी हमारा ये सोडियम है ना, ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और रिक्वायर्ड क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाए। क्लोरीन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिक्वायर्ड क्या करता है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। ये क्यों आता है ये मेरे को एक्सप्लेन करो बच्चों। मैंने प्रीवियस एक टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, उसी की हेल्प से बच्चों ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसके अंदर क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके अंदर होती है, और सोडियम के अंदर होती है बच्चों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब इसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज लगता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को मतलब दूसरों से एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड बनता है। इस आयोनिक बॉन्ड बनने के बाद इसके अंदर क्या एग्जिट करेगी? पोलैरिटी इसके अंदर एग्जिट करेगी। कोई भी हमारा आयोनिक बॉन्ड बन जाए वो कैसा बॉन्ड कहलाएगा? पोलर बॉन्ड जैसा कहलाएगा। आप एक स्टार बना के लिख दो कि ऑल द, क्या लिखोगे कि ऑल द, लिखो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक्सप्लेन, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाओ, ठीक है, लिखो कि ऑल द आयोनिक बॉन्ड इज ए नेचर ऑफ पोलैरिटी एग्जिट करेगी उसके अंदर, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख जाओ, मतलब जो भी हमारे बॉन्ड बनेंगे ना वो कैसे बॉन्ड बनेंगे? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड जैसे बनेंगे, और उस बॉन्ड को हम क्या कह सकते हैं? पोलर बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स? एक टॉपिक तो ये हो गया। सेकेंड बात आती है कि बच्चों पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे डिफाइन किया जाएगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है।
जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पोलैरिटी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आप कहोगे सर कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली वो होते हैं जो हम शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, वही होते होंगे कोवेलेंट बॉन्ड। यस, वही होते हैं जब हम कोई शेयरिंग करके जो हमारा बॉन्ड आता है ना, जो हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं शेयरिंग करके, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली बच्चों टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और दूसरा हमारा बॉन्ड होता है हेटरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, होमोन्यूक्लियर मतलब सेम, ठीक है, न्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब सेम, और हेटरोन्यूक्लियर मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं सेकंड वाला एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो नाउ बच्चों हम बात करेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन पोलर इन ए मॉलिक्यूल टाइप का होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, मतलब सिंपल एग्जांपल तो ये होते हैं और हाई लेवल के एग्जांपल ये होते हैं। ठीक है, जैसे F2, N2, O2, Cl2, S2, S6, S8, P4, O3 एंड ETC। ठीक है, ये कैसे होते हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ मैं एक एग्जांपल आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि उसके अंदर पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली आया कहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे फ्लोरीन का एक एग्जांपल ले लिया हूँ। यहाँ मैंने एक फ्लोरीन यहाँ रख दिया, एक फ्लोरीन यहाँ। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करूँगा, ये मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, तो ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे, कर लिया शेयरिंग। ठीक है, इसके फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो हमारा बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एट द सेंटर जो सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स आए, मतलब शेयर करे सेंटर में। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने ऐसा क्यों किया, देखो अगर कोई भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइटम के अंदर बच्चों वो न्यूक्लियस पढ़ा था, मतलब कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो न्यूक्लियस के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक फ्लोरीन है। ठीक है, इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये न्यूक्लियस के आसपास हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ा, इसने एक अपने इससे एक इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ा, इससे शेयर करके किसने अपना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा और उसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। वैसे सेम कंडीशन ये वाला कर रहा है। ठीक है, जितना वक्त जितने दिन इसके पास रहेगा उतना ही टाइम दिन इसके इस फ्लोरीन के पास रहेगा, क्योंकि दोनों को शेयर किया है तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। अगर इसके पास 10 दिन लगे तो इसके पास भी 10 दिन लगे, इसके पास भी इतना टाइम लगा तो इसके पास भी इतना टाइम, मतलब इक्वल टाइम लगा, मतलब इक्वल शेयरिंग की वजह से इसके अंदर क्या आ गई, पोलैरिटी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड आ गई। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, मतलब ना तो ये इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रह सकता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन ना इसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अकेला रह सकता है, मतलब दोनों को इकट्ठा रहना पड़ेगा इक्वल टाइम में। ठीक है, इसके पास भी इतना स्पेस है और इसके यहाँ भी इतना स्पेस है, बीच में क्या है हमारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और क्या है एट द सेंटर, मतलब सेंटर में आने वाला इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स एंड पोलैरिटी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम चलते हैं हेटरो आइटम मॉलिक्यूल्स, मतलब डिफरेंट आइटम होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको डेफिनेशन से एक बार बता देता हूँ कि सो इन द हेटरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट आइटम आर प्रेजेंट एंड मस्ट हैव डिफरेंस इन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट प्रोसेस पोलैरिटी। ठीक है, अगर इसके अंदर बच्चों कितने भी डिफरेंस मतलब आइटम आ जाए, मॉलिक्यूल आ जाए, तो उसके अंदर बच्चों कुछ परसेंट में पोलैरिटी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अंदर भी आएगा और इसके अंदर भी फ़र्क आएगा, मतलब दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड आएगा पोलैरिटी की वजह से।
ठीक है। तो यहाँ बच्चों एक नोट लगा के आप लिखना कि नॉट ऑल हिट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स आर द पोलर, मतलब जैसे आप बोल दो कार्बन 4 है तो यहाँ भी हिट्रो लगेगा, इसके पास भी हिट्रो है, इसके पास भी हिट्रो है, मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, सारे के सारे हिट्रो मॉलिक्यूल्स पोलर नहीं होते, सारे के सारे हिट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल आर पोलर नहीं होते, कुछ डिफरेंस भी होते हैं। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल लेके सिखाऊंगा, आप इतना नोट डाउन करो बच्चों ताकि आपको आगे कोई दिक्कत न आए, ठीक है। पोरेलिटी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड के टू टाइप्स होते हैं, होमो न्यूक्लियर और हिट्रो आइटम, हिट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इसकी ये होता है सेम, ये होता है डिफरेंस, ठीक है। सेम जैसे ये नाइट्रोजन्स कितने दो, तो सेम हो गए, क्लोरीन भी दो, सल्फर भी दो, ठीक है, फ्लोरीन भी दो, ऑक्सीजन्स भी तीन, और इसमें क्या है डिफरेंस आइटम मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा समझाऊंगा, आप इतना नोट डाउन करो। नाउ बच्चों हिट्रो आइटम में आप एक पॉइंट नोट करना कि इवन डिफरेंस आइटम हैव ऑलवेज सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज इवन हैव द हिट्रो न्यूक्लियर द रिमाइन नॉन पोलर, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको यहाँ लिखवाया है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, वो मस्ट ऑलमेट सिमिलरी होते हैं नॉन पोलर जैसे, ठीक है, उसके अंदर मतलब नॉन पोलर होता है, उसके अंदर पोलैरिटी दिखाई नहीं देती, क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलरी होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे हमारे CH4 हो गए, C2H6 हो गए, C6H6 हो गया, हमारा बेंजीन हो गया, और एक हमारा हो गया टोलिजन, ठीक है, जैसे बेंजीन के ऊपर यहाँ हमने CH3 लगा दिया ITC। इन ऐसे एग्जांपल के अंदर बच्चों जो भी हमारा कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए ना, तो उसके अंदर बच्चों हमें पोलैरिटी नज़र नहीं आती, वहाँ क्या होता है कि नॉन पोलर नज़र आता है, ठीक है, क्यों आता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं सेम टाइप के होते हैं, सेम उसके अंदर क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाई देती है, ठीक है। जो हम यहाँ पोलैरिटी निकालेंगे हिट्रो आइटम्स की, मेरे पास मैंने एग्जांपल ले लिया है HCl का, मतलब डिफरेंस हाइड्रोजन भी अलग हो गया और एक क्लोरीन भी, मतलब डिफरेंस आइटम है इसके पास, ठीक है। तो हाइड्रोजन्स के बच्चों दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको एक की ज़रूरत पड़ी तो इसने हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली, शेयरिंग करने के बाद क्या हो गया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब एट द सेंटर, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो भी हमारा हाइड्रोजन है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है, और जो हमारा क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई होती है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो भी हमारा चार्ज होता है ना, मतलब किसी के ऊपर चार्ज हो गया, मतलब हाइड्रोजन्स के ऊपर +1 चार्ज हो गया, ठीक है, क्लोरीन पर -1 चार्ज हो गया, मतलब ये जो चार्ज होता है ना ये कम्प्लीटली चार्ज होता है इसके अंदर, मतलब कोई भी घाट बात नहीं होता है, ना ही कोई हाफ चार्ज होता है, ना ही ये 0.3 चार्ज होता है, ये केवल पूरा 1% इसके ऊपर चार्ज लगा होता है इन दोनों के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो भी क्या होगा, सेम होगा, सेम होने की वजह से इसके हिट्रो आइटम में भी क्या होगी, पोलैरिटी आपको नज़र आएगी, ठीक है। अगर हाइड्रोजन्स के पॉजिटिव चार्ज 0.5 है तो सेम ही क्या होगा, क्लोरीन का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो भी 0.5 आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ आपको पॉजिटिव दिखाई देगा 0.7 हाइड्रोजन्स के ऊपर, तो क्लोरीन पर भी सेम आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये प्रोसेस में क्या कहना चाहता है कि यहाँ आपको लिखवा देता हूँ, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप अपनी नोटबुक में उतार लेना, ठीक है, कि देन ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इज़ ए कोवेलेंटी बॉन्ड। जो भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना मोर देन, वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, विद एन आइटम इज विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, देन द आइटम विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद पार्शियल अटैच द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट सेल्फ ऑफ ए गेन नेगेटिव एंड आइटम इज ए लेस देन इज ए पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज, सच ए कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर अब आगे हम चलेंगे बच्चों, जो भी हमारी किसी भी आइटम की, किसी भी मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी होती है ना, वो मतलब
उसको हम मेज़र कैसे करेंगे, उसका मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे, मतलब कोई किसी की वैल्यू 0.6 आ जाए, किसी की वैल्यू 5.2 आ जाए, मतलब उसको हम एक्चुअली मेज़र कैसे कर पाएंगे, मेज़र कैसे कर पाएंगे, डाइपोल मोमेंटम से हम मेज़र कर पाएंगे। अगर हमें डाइपोल मोमेंटम पता चल गया तो उसकी पोलैरिटी का जो मेज़र निकल के आएगा वो भी हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों, पोलैरिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंटम। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, यू से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हमें डाइपोल मोमेंटम का पता चल जाए तो हम किसी भी पोलैरिटी का मेज़र आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली डाइपोल मोमेंटम क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब बच्चों हम डाइपोल मोमेंटम को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि U इज इक्वल टू क्याऊ क्रॉस मल्टीप्लाई डी। क्याऊ मतलब क्या होता है, चार्ज, ठीक है, और डी मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द आइटम, इन दोनों के बीच का जो आइटम का डिस्टेंस होता है वो कितना होगा एंड चार्ज कितना होगा, ठीक है। कई बच्चों ने पूछा कि चार्ज मतलब किस टाइप का चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ जो चार्ज होता है ना कि वी ऑल नाउ दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सेम, उन दोनों का मैग्नीट्यूड का जो चार्ज होगा वो सेम होगा। कैसे होगा, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक HCl है और एक मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज होता है ना वो 0.5 पॉजिटिव चार्ज होता है और सेम मैग्नीट्यूड चार्ज होना चाहिए -0.5 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम मतलब क्या करते हैं कि बट साइन आर डिफरेंट, वी हैव टू यूज चार्ज विद द आउट साइन। हमें इस जो साइन होता है ना उसका हमें यूज न करके हमें उस मतलब वैल्यू को पुट करना होगा। जैसे चार्ज कितना होगा, चार्ज को हम क्या इज इक्वल टू 0.5 बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। चार्ज को हम यूनिट क्या होती है, कोलम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोलम में, ओके। इतना आपको समझ में आया कि क्या इज इक्वल टू चार्ज, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द आइटम, चार्ज, वी ऑल नाउ दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम चार्ज, बट जो हमारा साइन आर डिफरेंट होना चाहिए, वी हैव टू यूज चार्ज विद द आउट साइन, मतलब वो जो हमने चार्ज हम जब लिखेंगे तब उसकी वैल्यू ही को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारा जो डाइपोल मोमेंटम है ना उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि यू इज इक्वल टू कोलोम मीटर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब जो जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम मीटर के हिसाब से लिख सकते हैं और यहाँ जो चार्ज होता है उसको हम कोलम्स के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, जो हमारा डिस्टेंस होता है ना वो कैसा होता है, मतलब कोई भी इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है, मतलब 10^-8 से लेकर और 10^-10 के बीच में का जो डिस्टेंस होता है ना आपको इतना ही मिलेगा। और जो हमारा जो चार्ज होता है ना वो वेरी कैसा होता है, वेरी स्मॉल चार्ज आपको मिलेगा, ठीक है, वेरी स्मॉल चार्ज मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। जब आप डाइपोल मोमेंटम को निकालोगे तो यहाँ आपको एक दो कंडीशंस दिखाई देगी, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। एक चीज़ और आपको मैं सिखाऊंगा, एक साइंटिस्ट थे बच्चों, डी बाय साइंटिस्ट ने क्या बोला वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इतना नोट डाउन करो। मोमेंटम डाइपोल मोमेंटम में बच्चों दो यूनिट होती है, मतलब जो हमारा यू होता है ना यू को हम बच्चों डी बाय से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप डाइपोल मोमेंटम निकालोगे चाहे आप यू इज इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई डी से भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आप इससे भी निकाल सकते हो डाइपोल मोमेंटम, ठीक है, जब भी आप निकालोगे। तो डी बाय एक साइंटिस्ट है, उसने जो वैल्यू बताई थी अपनी 1D की कितनी थी, 3.33564 3.33564 × 10^-30 कोलम्स मीटर थी, ठीक है। तो आप लिख कैसे सकते हो अपने, जैसे n है, n d की वैल्यू क्या हो जाएगी, n से मल्टीप्लाई
3.33 × 10⁻³० सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 2D ले लिया। 2D को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 2 × 3.33 × 10⁻³० सेंटीमीटर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। चाहे आप 1.84D निकालना है तो यहाँ आप क्या करोगे, 1.84 × 3.33 × 10⁻³० सेंटीमीटर ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चों जो हमारा डाइपोल मोमेंटम था, वहाँ डाइपोल मोमेंटम की दो यूनिट होती हैं, एक तो हमारी ये वाली यूनिट होती है और दूसरी हमारी ये वाली यूनिट होती है, ठीक है। आप कोई भी यूनिट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया बच्चों, वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक सिखाऊंगा। वीडियो को अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।